सतना के सिंहपुर थाना अंतर्गत पड़रोत में भागवत की बेदी विसर्जन करने आए युवक का पैर फिसलने से नदी में गिर गया। वहीं उसके साथ आए युवकों ने उसको बचाने के लिए नदी में कूद दिए, जिसके चलते दोनों की हालत गंभीर है। वहीं एक युवक की मौत हो गई है। घायल युवकों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। जानकारी के मुताबिक रैगांव के पड़रौत गांव में चल रही भागवत कथा का समापन हुआ, जिसको लेकर सभी श्रद्धालु नदी में वेदी विसर्जन करने आए थे। वेदी विसर्जन के समय युवक का पैर फिसलने से नदी में गिर गया। नदी में गिरे युवक को बचाने के लिए साथ में आए युवकों ने नदी में छलांग लगाई, जिसके चलते अरुण गुप्ता 45 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं धीरज बागरी 38 वर्ष, रजनीश गुप्ता 40 वर्ष को गाँव वालों की मदद से दोनों घायल युवकों को नागौद अस्पताल लाया गया है, जिसको नागौद में इलाज के बाद हालत गंभीर होने के चलते सतना जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर युवकों का इलाज जारी है। भागवत का विसर्जन फिर क्या हुआ? हो गए श्रीराम के जी श्रीराम गए नहीं करवा दिए, लेकिन दादा बाहर वही तो विवेक बाबू नदी में खड़ा था, बगल तो स्लिप खा गया, पैर तो चला गया नीचे, उनको उसको बचाने के चक्कर में ये दोनों घूम गए। कहाँ की घटना है ये? पड़रौत। ये कहाँ पड़ता है? एक ग्राम पंचायत पड़रौत के, पड़रौत मुख्यालय है, वहाँ का मामला है। वहाँ भागवत हो रही थी, आज 9 दिन हो गए भागवत को, आज विसर्जन था। विसर्जन के दौरान हमारे यहाँ परंपरा है कि नदी में जो हवन होता है उसकी राख को वहाँ सिराते हैं। पूरा गांव सिराने के लिए गया था, वहाँ सिरा रहे थे उस राख को, तो एक लड़का जो गुप्ता का है वो लड़का नदी के पास गया, पैर उसका स्लिप हो गया। पैर स्लिप होने का कारण वो नदी में कूद गिर गया। उसके गिरने के बाद एक बागरी का लड़का और एक गुप्ता, ये बचाने के लिए गए उसको। बागरी का लड़का गिरा, बागरी का लड़का पहले गिरा, उसको बचाने के लिए दो लड़के गए हैं, तो दोनों लड़के फिर उससे नहीं निकल पाए। फिर जब गांव वाले सब दौड़े, रस्सी ले आए, हम लोग सब वहीं थे स्पॉट में। वहां लाने के बाद फिर नीचे दबे रह गए कोई 15 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई ये जो गुप्ता वाला लड़का है अरुण गुप्ता, ये तो काफ़ी देर तलाश में इसको निकाला गया, जिसको अभी जिला अस्पताल में डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया है। दो की स्थिति गंभीर है, एक को बिरला ले गए हैं, एक को ही वार्ड नंबर 6 में एडमिट किए। जी शासन की तरफ से पुलिस दल वहाँ पहुँच गया था, और पुलिस दल पहुँच गया था, पर गाँव वालों ने ला के फिर हम लोग गाड़ी में अपने ला के नागौद ले गए। नागौद के बाद सतना ले गए, नागौद ले गए थे, नागौद में प्राथमिक उपचार हुआ, उन्होंने इनको मृत घोषित कर दिया अरुण गुप्ता को, फिर वहाँ से हम सतना के लिए रेफर करवा लिए। क्रिश्चियन गरीब का बदल क्या करूँ, हम लोग किसकी मौत हुई? मेरे छोटे भाई अरुण कुमार गुप्ता की घटना। क्या घटना हो गया? ये धीरज बागरी फिसल कर गिर गया है, उसके बचाने के लिए ये कूदे हैं, जो कि ये नहीं निकल पाए। फिर तीसरा क्या नाम, रजनीश गुप्ता भी कूदा है, तो ये फिर ये तीनों नहीं निकल पाए, तो गांव वाले फिर और आदमी दौड़ के बचाए तीनों को। घटना कैसी हुई आपकी? जी घटना कैसे हुई है बताए ना, कुछ को बचाने के लिए कार्यक्रम था वहाँ पे, कार्यक्रम था भागवत ही, आज विसर्जन था भागवत का, उसी की बेदी सिराने के लिए वहाँ गए थे। क्या नाम लिखते हैं आप? घनश्याम दास गुप्ता।